हेलो दोस्तों, मेरा नाम शिवानी है और मैं इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन के साथ काम करती हूँ। आने वाले कुछ महीनों में मैं डिजिटल सिक्योरिटी के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के बारे में आपको जानकारी दूंगी। आज की दुनिया में हमारा सारा काम टेक्नोलॉजी पर निर्भर है। बैंकिंग, फ्लाइट की बुकिंग, ईमेल्स और सोशल मीडिया, ऐसी सारी सर्विसेज हमारी कुछ निजी जानकारी इकट्ठा करती हैं, जैसे कि आपकी लोकेशन, कॉन्टैक्ट लिस्ट, ईमेल आईडी इत्यादि। इस जानकारी को सुरक्षित रखना भी बहुत जरूरी है। मैं इन वीडियोस के जरिए आपके इस डेटा को सुरक्षित रखने के तरीके डिस्कस करूंगी। आज मैं आपके साथ ऐसा ही एक तरीका डिस्कस करना चाहती हूँ जिसका नाम है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या फिर टू स्टेप वेरिफिकेशन। आप जब भी किसी भी ऐप का इस्तेमाल करते हैं, 90% ऐप्स आपसे लॉगिन के समय आपका पासवर्ड और ईमेल आईडी या फिर यूजर नेम की जानकारी मांगते हैं। इस पासवर्ड के जरिए हमारा अकाउंट सुरक्षित रखते हैं ताकि आपके अकाउंट में कोई भी और लॉगिन ना कर सके। पर क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बढ़ रही है, अब सिर्फ एक छोटे से पासवर्ड से आप अपना अकाउंट पूरी तरह से सेफ नहीं रख सकते। इनफैक्ट कई सारे लोगों का पासवर्ड का अंदाजा लगाना भी बड़ा आसान होता है, क्योंकि उनका पासवर्ड 1234567 या फिर 1111111111 होता है। और अगर आपका पासवर्ड भी कुछ इसी प्रकार का है तो प्लीज उसे तुरंत बदलें। और क्योंकि सिर्फ पासवर्ड्स आपके अकाउंट्स को सुरक्षित नहीं रख सकते, इसका एक उपाय है टू स्टेप वेरिफिकेशन। जब आप अपने अकाउंट में टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करते हैं, और वो कोई भी अकाउंट हो सकता है, ईमेल आईडी, इंस्टाग्राम, ट्विटर, जो भी आप यूज करते हो, तो जब आप इन अकाउंट्स में टू स्टेप वेरिफिकेशन एनेबल करते हैं तो आपके अकाउंट में एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ सिक्योरिटी ऐड हो जाती है। टू स्टेप वेरिफिकेशन के कई प्रकार होते हैं। इसको एनेबल करने के बाद ज्यादातर सर्विसेज आपका पासवर्ड पूछने के बाद आपसे ओटीपी मांग सकती हैं। ये ओटीपी आपको एसएमएस या फोन कॉल के जरिए पता चलता है। ऐसे टाइप का टू स्टेप वेरिफिकेशन सबसे कॉमन है और शायद आपको इसके बारे में पहले से ही जानकारी हो। पर जैसे मैंने कहा, इसके और भी कई प्रकार होते हैं। टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए डेडिकेटेड एप्स भी होते हैं। इन एप्स में एक कोड होता है जो हर 30 सेकेंड में बदलता रहता है। जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना पासवर्ड डालते हैं, उसके बाद आपको इस कोड को एंटर करना होता है। पर इन दो जरियों के अलावा भी टू स्टेप वेरिफिकेशन के और भी कई प्रकार होते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं टू स्टेप वेरिफिकेशन से रिलेटेड अलग अलग आर्टिकल्स लिंक कर रही हूँ जो आपको इसके बारे में और भी जानकारी देंगे। इसे जरूर पढ़ें और अपने सभी एप्स में, अपने सभी सर्विसेज में टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू स्टेप वेरिफिकेशन जरूर एनेबल करें। आखिर में, अगर आपको इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन का काम पसंद है तो प्लीज डोनेट करें। जैसे आप अपने एप्स पर निर्भर हैं, उसी तरह हम आगे बढ़ने के लिए आपके सहयोग पर निर्भर हैं। थैंक यू।